वहीं धर्मशाला में चुनाव प्रचार से इतरस सीएम जयराम ठाकुर ने भूटान में प्रशिक्षण के दौरान शहीद हुए मारंडा निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल रजनीश परमार के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीद के परिजनों से मुलाकात कर शहीद के परिवार को सांत्वना दी, जिसके बाद मीडिया से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने कहा कि शहीद के परिवार की सरकार की तरफ से हर संभव सहायता की जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि शहीद के परिवार की मांग पर शहीद के नाम पर किसी मुख्य चौराहे या फिर किसी सड़क का नामकरण भी किया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल रजनीश परमार का दुखद हादसा होने का हमको भी दुख है और परिवार वालों का आज मिलना हुआ उनको सांत्वना देने की दृष्टि से। और एक नौजवान 40 साल की उम्र में देश की सेवा करते हुए हमारे बीच में से विदा हुआ, उनकी शहादत तो हम सब लोग स्मरण करेंगे और सरकार की ओर से जो भी संभव उसमें सहयोग की दृष्टि से जो किया जा सकता है, कुछ आग्रह परिवार की ओर से छोटे से ऊपर आए हैं कि कुछ नामकरण करने की बात आई है, तो सारी औपचारिकता पूरा करने के बाद उस दिशा में आगे हम कोई काम करेंगे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।